हेलो दोस्तों, मैं मनोज इलेक्ट्रिशियन। आज आप लोगों को दिखा रहे हैं छत में पाइप कैसे डालते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, आज अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पंखे से, जो फैन बॉक्स है। ये फैन बॉक्स है जिसमें पंखा टांगा जाता है और ये हैवी क्वालिटी का है। ये रॉड जो देख रहे हैं, ये रॉड 12 mm का रॉड लगा हुआ है। और ये कंसील लाइट है, जो कंसील लाइट छत में लगता है। चार कंसील लाइट लगा हुआ है इसमें। कंसील लाइट का ये पाइप गया है। ये दीवार का लाइट है, एक कंसील लाइट यहाँ पे है, एक कंसील लाइट ये है, ये दीवार का लाइट है। अब ये तार से बंधा नहीं है, इसको तार से बांध के मजबूत करेंगे ताकि वो हिलेगा नहीं। तो कृपया ध्यान से देखें और वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्यों अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कैसे लेंटर पाइप डाला जाता है। लोग यह कि अपने आप से पाइप डालते हैं लेकिन उसको समझ नहीं आता है कौन सा पाइप कहाँ उतारना है, कहाँ नहीं उतारना है। तो आपको इसमें एक एक चीज़ बताया जाएगा। ये दूसरा रूम का है, ये बीच में सेंटर में पंखा आ गया। ये एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, उधर दीवार में डाउन है, एक दीवार में डाउन है। ये सेंटर में इसलिए नहीं लग रहा है कि 5 फुट का दीवार है यहाँ बीच में, इसलिए आपको सेंटर में पाइप नहीं, सेंटर में पंखा नहीं लग रहा होगा। और दूसरे रूम में चलते हैं हम। तो दूसरे रूम में सेंटर में पंखा आ गया। अब ये टेप देख रहे हैं, ये टेप पाइप के मुंह में लगाया जाता है ताकि उसमें कोई मसाला हो और कुछ ऐसा कुछ ना घुस सके उसमें, ताकि मुंह बंद किया जाता है पंखे के अंदर डालने से पहले मुंह बंद किया जाता है। और ये डाउन लाइन है, बैंड लगा हुआ है ताकि नीचे दीवार में झिरी कट के आप लाइट लगा सकते हैं, बॉक्स लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं लाइट है, तो इस कमरे में 4 लाइट है, 1 2 3 4। छज्जे में देख रहे हैं, छज्जे में 3 लाइट है। बाहर गेट के बाहर जो छज्जा होता है 3 फुट का, उसमें 3 लाइट है, 1 2 3, तीनों आपस में मिला हुआ है। अब वहाँ से बीच से लाइट से देख रहे हैं, जो पाइप आ रहा है सीधा पंखे में आएगा। पंखे से जो मेन MCU, जिसको MC बॉक्स कहते हैं, जहाँ से MCU कंट्रोल होता है वहाँ पे, इसमें एक देख रहे हैं एक पाइप इधर गया हुआ है जीने की तरफ, हर कमरे में से निकला हुआ है। आपको दिखाते हैं वहाँ जहाँ MC बॉक्स लगेगा, ये देखिए ये मेन पाइप जो निकला हुआ है, ये सीधा MC बॉक्स में जा रहा है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, सीधा MC बॉक्स में जगह है। और देख रहे हैं पूरा MC बॉक्स में गया है। ऐसे दूसरे रूम का भी ये पाइप सीधा गया है MC बॉक्स में। तो भाई गाइस, कैसा लगा वीडियो आप लोगों को?
थोड़ा ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा कि लैंड ट्रैक बाई चांस कहीं मिस्त्री नहीं मिलता है तो आपको अपने आप से डालना पड़ता है कई बार। तो ये वीडियो देख देख के आप लोग डाल सकते हैं, कई बार मिस्त्री इमरजेंसी में, जैसे इमरजेंसी में मशीन लगा हुआ है आप लोग तो मिस्त्री अर्जेंट में नहीं मिलता है तो आप खुद से भी डाल सकते हो। और वीडियो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि जब कोई मिस्त्री को वीडियो दिखाइएगा तो उसको समझ में आएगा कौन सा पाइप कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कौन सा पॉइंट कहाँ दे रखे हैं आप। तो कोई अगर लेंटर पाइप डालना है तो उसका वीडियो ज़रूर बनाना है। और पाइप के दहे भी देखते हैं तो पाइप क्या है, लेंटर का पाइप है कितना हैवी है कि आप इस पर चढ़ भी जाएगा तो भी नहीं टूटेगा, देख रहे हैं। इसे पूरा बेड हम डाल दिए, अपना पूरा बेड डाल देते हैं, इतने मजबूत है कि ये टूट नहीं सकता है। तो बहुत हैवी पाइप है ये, देख रहे हैं बहुत हैवी पाइप है। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही है, अगर कुछ भी पूछना हो, क्या भी तो पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत।